हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी और वेलकम करता हूँ आप सबको मेरे चैनल गांव का गार्डनर में। मेरे बोगनविला में आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा फूल खिला हुआ है, और देखिए लगभग सभी ब्रांच में फूल आए हुए हैं। और अगर आप लोग पहले का वीडियो मेरा नहीं देखे हैं तो मैं दे दूंगा स्क्रीन पर, आप वहां से सर्च करके भी देख सकते हैं, या फिर वीडियो को आखिरी तक देखते रहिए। मैं एंड स्क्रीन में एक प्लेलिस्ट दे दूंगा, वहाँ से भी जाके आप देख सकते हैं कि मैं क्या क्या इस प्लांट के साथ किया था ताकि मुझे इतना सारा फूल मिला है। तो वीडियो को आखिर तक देखते रहिए, और चैनल में अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। देखिए ये प्लांट में सबसे ज़्यादा फूल आए हैं, हालांकि ये प्लांट थोड़ा पुराना है, मतलब ये थोड़ा मोटे से कटिंग से मैं ग्रो किया था। और देखिए और भी नए नए फूल आने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो क्या क्या फर्टिलाइज़र हम डाले थे पूरा डिटेल्स वीडियो आपको मिल जाएगा उस प्लेलिस्ट में जो मैं आखिरी में दूंगा। तो तब तक फूलों को आप एंजॉय कर सकते हैं। मैं ज़्यादा फर्टिलाइज़र भी नहीं डाला था, मैं पहले से ही आप लोगों को बताते आ रहा हूँ। अगर आप लोग मेरे वीडियो पहले से देख रहे हैं तो मैं पहले से ही बताते आ रहा हूँ कि कभी भी किसी भी प्लांट में ज़्यादा फर्टिलाइज़र मत डालिए, कम कम डालिए, ज़्यादा बार डालिए। तो सभी बार जितने बार मैं फर्टिलाइज़र दिया था सभी में आप लोगों के साथ शेयर किया था, आप लोगों अगर देखे होंगे तो आप लोगों को ये रिज़ल्ट देख के पता चल रहा होगा कि रिज़ल्ट कितना अच्छा आया है। इस प्लांट को देखिए, इसको इस बार हम प्रूनिंग नहीं किए थे फिर भी इसमें देखिए कितना सारा फूल आए हुए हैं, मतलब पत्तियों से ज़्यादा फूल है। बोगनविला में ऐसे ही होता है, और मेरे बोगनविला के प्लेलिस्ट में बहुत ज़्यादा वीडियो है, अगर आप लोग चाहे तो जाके देख सकते हैं, डिटेल्स में बोगनविला के बारे में बताया हूँ। आगे जाके भी नया नया वीडियो बोगनविला के ऊपर आता रहेगा। अगर आप लोग बोगनविला पसंद करते हैं और आप लोगों के प्लांट में फूल नहीं आ रहे हैं तो जाके उस वीडियो को आप देख सकते हैं कैसे केयर करने से बोगनविला में ज़्यादा से ज़्यादा फूल आते हैं। तो देखते रहिए वीडियो को, एंजॉय कीजिए, और कितना मेहनत लगा है इस प्लांट के पीछे वो भी आप उस वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो बहुत लोग मुझे कमेंट करके बताते हैं कि आप बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र दे रहे हैं कि बहुत कम फर्टिलाइज़र दे रहे हैं, आपके बोगनविला में फूल नहीं आएंगे। तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं कम में विश्वास रखता हूं और कम फर्टिलाइज़र दूंगा और उनका ड्यूरेशन कम करके दूंगा तो रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा और प्लांट को कोई खतरा भी नहीं रहेगा। अगर आप लोग भी नया गार्डनर हैं तो आप लोग भी ऐसा ही कीजिए, क्योंकि अगर ज़्यादा फर्टिलाइज़र हो गया प्लांट मर गया तो आप नर्वस हो जाएंगे और उसके बाद प्लांट लगाना भी छोड़ सकते हैं। मेरा एक दोस्त ने ऐसे ही प्लांट लगाना छोड़ दिया, उसका एक दो प्लांट में ज़्यादा फर्टिलाइज़र हो गया और प्लांट मर गया, तो इसीलिए वो सोचा कि मेरे हाथ से प्लांट नहीं होगा तो उसने प्लांट लगाना ही छोड़ दिया। लेकिन ऐसा मत कीजिए, कम कम फर्टिलाइज़र दीजिए तो आपका प्लांट का हेल्थ भी अच्छा रहेगा और फूल भी आप बहुत ज़्यादा पाएंगे। देखिए इस प्लांट में से मैं इतना फूल एक्सपेक्ट नहीं किया था जितना अभी मुझे मिल रहा है, और भी नए नए कलियाँ आ रहे हैं। तो देखिए आप, मैं दे दूंगा वो वाला प्लेलिस्ट, आप जाके देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कोई ना कोई प्लांट जरूर लगाइए और खुश रहिए। थैंक यू सो मच।